नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास। तो ये सीबीएसई टर्म टू सीबीएसई मतलब साइंस का आपका सैम्पल पेपर है, अरिहंत की है आपकी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये क्लास टेन की है और आपका यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, कवर किया जाएगा एनसीईआरटी को लेकिन, और केस बेस क्वेश्चन होंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप। ध्यान देना इसी बात में, ध्यान देना है, आपकी बार जस्ट आप सोच रहे थे केवल ऑब्जेक्टिव होंगे तो ऐसा नहीं है। अगर कोरोना वायरस के दौरान ऑब्जेक्टिव थे, अब नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन अगर बढ़ता है तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं लेकिन ज्यादा चांस ऐसे नहीं है। तो आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग टाइप आंसर आएंगे और प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये साइंस का है। अगर आप इससे पहले जाएंगे तो मैंने सामाजिक विज्ञान का भी अपलोड कर दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप हिंदी माध्यम का देख ही सकते हैं। एनसीईआरटी के अध्यायों की सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या, केस स्टडी आधारित प्रश्न, अच्छा इसका मतलब उसमें नहीं लिख सकते हिंदी में, केस स्टडी वाजिब, लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रैक्टिस पेपर तो आएगा आएगा। और ये क्या है, एज पर लेटेस्ट टर्म वाइज सिलेबस 21-22 के हिसाब से लिया गया है, ठीक है, ये भी अरिहंत का है और ये भी लेटेस्ट के हिसाब से लिया गया है। और हाँ, ये बताना चाहता हूं, ये आपका इंग्लिश मीडियम है, आपकी बार इंग्लिश मीडियम हम ले ही आए आखिर में। कई बच्चों कहेंगे हिंदी मीडियम वाले थे सर माई सीबीएसई क्लास, तो इंग्लिश मीडियम कैसे हो गया? तो प्यारे बच्चों, ये आपका मिल ही नहीं रहा, हिंदी माध्यम में है ही नहीं। अरिहंत की हो, यूलाइक की हो, एग्जाम आइडिया फिलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है हिंदी माध्यम के लिए। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंग्लिश मीडियम के लिए तो है, और यहां से आप चीजें समझ सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 3, हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ये फिलहाल इसकी अभी वर्कशीट नहीं आई है, बाकी दो की आ चुकी है, हेरिडिटी की भी नहीं आई है। और वर्कशीट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी देख चुके हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट्स एफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो ठंड की वजह से गला बैठ चुका है। चैप्टर नंबर 7, आवर एनवायरमेंट, तो वर्कशीट के देखो तो ये और ये मतलब आपकी बायोलॉजी और थोड़ा सा ही एसएसटी टाइप का रह रहा है हमारा, बाकी उन्होंने वर्कशीट के थ्रू आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट करा ही दिया है, प्रैक्टिस पेपर पे है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे, अच्छा ये इंग्लिश हिंदी पे दे रहे हैं, चलो। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, देख लो चैप्टर नंबर 1 कैसे आया है, ठीक है, लेकिन ये शुक्र मानिए कि सभी चैप्टर में से ऐसे 2 में नहीं है, ये तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर सारे चैप्टर में से आता जैसे कि हर बार होता है, ये जैसे पिछले होता था ना, पिछले मतलब पहले होता था आधा अब आएगा आधा बाद में आएगा, वैसा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एल्कीन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे आपके हैं यहाँ पे, एक्सट्रक्चर ऑफ एथाइन एथीन है, ठीक है, तो साइकिल कंपाउंड, ठीक है, ये था एक्सट्रक्चर ऑफ साइकिल कंपाउंड्स, बहुत सारे आपका, ठीक है, साइक्लोन पेंटेन, C6H6 भी आया था आपने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, और ये वाला भी, ठीक है, तो C6H6 देखो ये आपके बेंजीन उसमें आ चुका था, बेंजीन आपका वर्कशीट में मेरे ख्याल से आ चुका था, ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे कैसे है। और ये यहाँ पे उन्होंने पढ़ाना लिखाना समाप्त कर दिया और यहाँ से पेज नंबर, ये देखो 4 था, ये पेज नंबर हम 5 पे आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चैप्टर प्रैक्टिस पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कौन सा है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कराने से पहले आपको बस मैं ये बुक दिखाना चाहता हूँ क्या क्या है। पार्ट 1 आपने देख लिया, इसका पार्ट 2 दिखाता हूं मैं, ये देखो पार्ट 2 ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तो समझ गया, सब्जेक्टिव भी आपकी बार आने वाला है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और यहां देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो आपके लिखने के लिए भी आएगा, इसके लिए अब तैयार रहना। और अलग से ये वाला तो आप देख ही रहे, तो आई रहा केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहां से आपका ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपका चैप्टर टेस्ट, अच्छा इसमें चैप्टर टेस्ट भी है, वाजी वाह। फिर चैप्टर 2 यहां से स्टार्ट हो, देखो चैप्टर 1 में इतना सारा चीज, अगर आप अरिहंत की लेते हैं सैंपल पेपर इंग्लिश मीडियम को, आप ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और बाकी इसमें देख लें 2-4 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे कैसे इसमें पूछे गए थे, कैसे कैसे नहीं पूछे गए थे, ठीक है, हाँ देखते हैं और क्या था, ठीक है, एक आधा देख लेते हैं सिंपल सादा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होता है, क्योंकि सारे इसके कार्बन पर एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, हैं? और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिलेक्ट एक्सट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग C3H6, C5H10, C4H10, C2H,
तो बनाने वाला है। देखो यहाँ से एनसीईआरटी से भी लिया गया है, ये काफी अच्छा है। ठीक है, फोन आ गया भैया, तो एनसीईआरटी से भी लिया गया, ये अच्छी बात है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, अरे एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पलर, वाह जी वाह, उदाहरण नहीं उदाहरण, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन पे देखो किस प्रकार से आपका दिया गया है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो ये मेरे को दिखाना था, अब मैं सच बताऊं तो ये है दूसरे बच्चे का। ठीक है, वो मेरे पास लेके आया तो कहा कि सर जी देख लो, आप अगर इसमें आपको बुक सही लग रही है तो ये आप खरीद लेना, नहीं तो दूसरी पब्लिकेशन की खरीद लेना, दूसरी मतलब कंपनी की। तो वो तो ले जाएगा 2 दिन के बाद। ठीक है, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम मीडियम वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा रहता है, और इसी वजह से ध्यान देखो मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, देखो कक्षा 10 के लिए अभी नहीं, बहुत पहले खरीदा हुआ था, डेट मुझे याद नहीं, कक्षा 10 के लिए विज्ञान। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ ये भी लखमीर सिंह मंजीत कौर, इसमें से पढ़ाता हूं ताकि बच्चों को ज्यादा ज्यादा समझ में आए। ये आपका भौतिक विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स होता है, एक रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, ठीक है, वो ताकि हिंदी में अगर बच्चे पढ़ेंगे ताकि तक उनको समझ में आता है। वैसे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले बनी थी, बाद में हिंदी वालों के लिए छपी बाद में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, काफी अच्छा है। और मैंने ये तो मैंने ले ली, ठीक है, समाज विज्ञान कक्षा 10 के लिए हिंदी माध्यम के लिए, इसको जल्दी शुरू कराता हूं। लेकिन ये वर्कशीट भेजे जा रहे बच्चे पे इतना प्रेशर दे रहे हैं, पता नहीं अपने बच्चे भी इतना प्रेशर दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे। मेरे ख्याल से इनके बच्चे बड़े हुए होंगे, नहीं, सर्दियों की छुट्टी के नाम पे वर्कशीट चेपे जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी आपके हाथ की प्रैक्टिस बना के रखना है, रोज लिखते रहना, क्योंकि अगर आप अब की बार अगर ये सोच रहे होंगे ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इस गलतफहमी मत रहना, अगर आपका रिटर्न में आ गया सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको तो लिखना ही पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, खास बात यह है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देख लिया, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।